नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पर मैं गाइस चर्चा करने वाला हूँ, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा एक स्टॉक जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज। और ये स्टॉक दोस्तों अब एक ऐसे सपोर्ट के आसपास खड़ा है कि अगर यहाँ से गिरावट होती है तो स्टॉक एक बड़ी गिरावट की ओर जाएगा। अगर यहाँ से तेज़ी शुरुआत होती है तो एक दो तीन लेवल ऐसे हैं जहाँ पर इसे एक माइन्यूट सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वरना स्टॉक सीधा आपको 5000 तक जाता हुआ दिखाई देगा। क्या वो चीज़ें हैं जो इसे रोक सकती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो ब्रेकआउट की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस को बढ़ाती हैं, और मंडे के दिन दोस्तों आपको ये स्टॉक एक काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकता है। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएँ, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आप देखते देखिए स्टॉक आज लगभग 0.5% के आसपास की गिरावट दिखाया है। और फाइन ऑर्गेनिक्स में दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है कि आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। आप ज़रा ना पिछले मात्र एक महीने में स्टॉक को देखें, आप एक महीने देखेंगे तो ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखें तो अभी ऑलमोस्ट 5.25% टूट चुका है। एक समय ज़्यादा गिरावट होकर 6.5% टूट चुका था और 4,462 तक गया था। पिछले 6 महीने में इसने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छे रिटर्न दिखाए थे। आप देखें इसे लगभग 4200 के आसपास का देखें, आप लगभग 4000 का लो बनाया, वहाँ से स्टॉक भागते भागते दोस्तों आप देखें 24% से ज़्यादा के रिटर्न अपने निवेशकों को दिया, लेकिन एक ह्यूज रेजिस्टेंस से मिला 5000 के जस्ट ऊपर, और वहाँ से गिरावट देखेंगे तो स्टॉक आज ऑलमोस्ट 10.5% ज़्यादा टूट चुका है। यानी आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, 6 महीने में स्टॉक ने 5000 में दो बार, एक बार और दो बार 5000 दोस्तों कंपनी के लिए यानी फाइन ऑर्गेनिक के लिए जो 5000 लेवल है ये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, ठीक है। और वहाँ से जब भी ये स्टॉक टूटा है दोस्तों आप देखें तो एक दो फिर ये तीन कह सकते हैं आप, ये चार और एक ये पांच बार स्टॉक यहाँ पर एक सेटलमेंट लिया है। अगर इसे तोड़ा है तो एक भयंकर गिरावट दिखाया है, एक बार, दो बार, तीन बार। अगर बाहर ऊपर गया दोस्तों तो देखिए ये एक भयंकर तेज़ी हुई, यहाँ से एक आपको ऊपर सपोर्ट दिखेगा तो 4500 दोस्तों एक बड़ा आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही की ही तरह है दोस्तों। अगर ये टूटता है तो फिर आप देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको देने की कोशिश करता है दोस्तों, ठीक है। तो वो कौन से लेवल से जहाँ से स्टॉक आपको एक अच्छे रिटर्न दे सकता है, तो देखिए स्टॉक ना दोस्तों अगर यहाँ जब तोड़ता है तो सबसे पहला ये रहता है दोस्तों इसका एक स्मॉल सपोर्ट, वरना फिर ये गैप फिल करने जाता है। जो स्टॉक इसको सीधा कहाँ जा लेकर के जाता है दोस्तों 4500 के आसपास, और 4500 के आसपास दोस्तों अगर टूटेगा तो फिर एक बड़ी तेज़ी दिखाता है। अगर वापस से बाउंस कर लेता है दोस्तों ट्रेस यहाँ से वापस, तो पहले दोस्तों ये देखिए ये है इसका एक छोटा सा आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस जोन, वरना फिर सीधा आपको लेकर के जाएगा। इसके बाद कौन सा रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, देखिए 4600, यहाँ पे एक छोटा सा 4700, और ये इसके बाद दोस्तों सीधा 4800, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4700 से लेकर के ना दोस्तों 4800, ये 100 रुपये के बीच इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। अगर ये तोड़ देते हैं दोस्तों तो फिर स्टॉक सीधा आपको एक बार 5000 तो एग्जैक्टली लेकर के ज़रूर जाएगा दोस्तों, वरना पहले मुझे लगता है 4300-4500 के बाद और उसके बाद सीधा 4000 के आसपास आपको जाते हुए दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो ये ओवरऑल एक्चुअल है दोस्तों इस स्टॉक की शेयर प्राइस में, और यही कारण है जो मैंने लिखा था कि यहाँ से या तो बहुत बड़ी तेज़ी होगी या भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं दोस्तों क्या कंपनी के रिजल्ट कैसे आए थे। देखिए कंपनी के रिजल्ट ना बहुत कमज़ोर आए थे, आप देखिए जून का क्वार्टर रिजल्ट 547 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंपनी ने सेल की थी। एक साल पहले ये 750 करोड़ के पास थी दोस्तों, जी हाँ 750 करोड़ के पास आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप देखें यहाँ पे तो मार्जिन भी आपको गिरावट की ओर दिखेगा, जहाँ 29% का मार्जिन एंजॉय करता था फाइन ऑर्गेनिक्स, अब वो मात्र 26% दिखा रहा है। एक क्वार्टर पहले काफ़ी अच्छा 34% का था, लेकिन वापस से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, गिरावट दोस्तों, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये गिरावट आखिर में प्रॉफिट में मात्र 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती है, जो एक साल पहले दोस्तों 160 करोड़
बहुत बहुत बड़ी गिरावट। EPS 50 रुपये से भी ऊपर की थी, जो मात्र अब 32-32.5 रुपये के थोड़े ऊपर चल रही है। और यही कारण दोस्तों कि इसी चीज़ को स्टॉक प्राइस इन कर रहा है। और मुझे ये लगता है कि प्राइस इन लगभग अगर गिरती है दोस्तों, अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर हैं 450 के आसपास ले सकते हैं, वरना पहला 4200, ये मुझे लगता है 4200 से 4000, ये 200 ऐसे रुपये हैं दोस्तों जो एक ह्यूज सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये टूटेगा तो मोर और लेस दोस्तों इसका एट मैक्स 350 से लेकर के 3800 के आसपास ये स्टॉक आपको एक अच्छे बाइंग लेवल दिखा सकता है। लेकिन देखिए ये ना बहुत मुश्किल है ना 350-3800, मुझे ये लगता है ये एटलीस्ट वो लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पे आप अगर मिड आप कह सकते हैं आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो थोड़ा कम है, मीडियम रेंज का है, तो ये लेवल एक काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मैंने आपसे शेयर करनी थी, अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले से आए सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।